<applause> الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان رسول <applause> الله <applause> <applause> حي على الصلاه حي على الفلاح الله <quotelyn وت ماص regarde> اكبر <leme enfant> السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهي جسنا <صور> उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक अजीम रसूल मकूस किया वो उन पर उसकी आयात की तलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब की और हमत की तालीम देता है जबकि इससे पहले वो यक़ीन खुली खुली गमराही में थे और उन्हीं में से दूसरों की तरफ भी उसे मबूस किया है जो भी उनसे नहीं मिले वो तो कामिल गलबे वाला और साबत है दो तीन दिन पहले तेईस मार्च को तो इस मार्च का दिन गुजरा है जमात अहमदिया में ये दिन इस वजह से याद रखा जाता है कि इस दिन जमात की बुनियाद पड़ी और हज मसीमत ने बैत ली बस हमें यह दिन हर साल ये बात याद दिलाने वाला होना चाहिए कि हज मसिम्सम कि आमद का मकसद कुरानी पेशगोईयों और आ हज़रत सल्लाम की पेशगोईयों के मुताबिक तजीद दिन करना और इस्लाम की हकीकी तलीम को दुनिया में राजज करना है और हम जो आपकी बेत में शामिल होने का दावा करते हैं हमने भी इस अहम काम की सरअंजामदही के लिए अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक इसमें हिस्सेदार बनना है और भटकी हुई इंसानियत का ताल्लुक़ तो खुदा तला तो से जोड़ना है और बंदों को एक दूसरे के हकूक अदा करने की तरफ तोजो दिलानी है और ज़ाहिर है इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी असलाह करनी होगी बहरहाल इस वक्त मैं हज मसीम के पास हवाले पेश करूँगा जिसमें आपके आने की ज़रूरत मकसद और किस तरह पेशगोयाँ पूरी हुई जो पहले की गई थी कुरानी कुरानी पेशगोइयाँ भी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोईयाँ भी और हो रही हैं जिससे आपकी सदाकत का सबूत मिलता है और फिर जमात में वो पाक तब्दीलियाँ पैदा होने के बारे में भी जिक्र करूँगा जो आपने बताया जो आपने फरमाया जो उस पाक तब्दीलियाँ सहाबा में पैदा हुई थी और आपने उन तकलीफ़ों का भी ज़िक्र फरमाया जिससे साहबा गुज़रे थे और जमात के अफराद भी गुज़र रहे हैं बस हमें हर वक्त इन बातों को सामने रखना चाहिए ताकि मिनहसुल जमात हमें तरक्की के तरक्की करने वाले हों ना कि नीचे गुदर, गिरना शुरू हो जाए आपने अपनी बेसत और शदाकत के बारे में खुदा को गवाह बनाकर कर ऐलान फरमाया है जो यकीनन हमारे ईमानों को तकवीत बख्शता है अगर हम इन बातों की जुगाली करते रहें और हर वक्त सामने रखें तो यकीनन ये हमारे ईमान में तरक्की का बस बनती रहेंगी और हमें अपने मकसद की तरफ तो तो जो दिलाती रहेंगी बहरहाल अब जैसा मैं कि मैंने कहा हवाले पेश करता हूँ जो अपनों के लिए भी हैं और गैरों के लिए भी जो उनको दावा दे रहे हैं जो आपके मसीह मऊद होने की होने को रोज़ रोशन की तरह खोलते हैं ये आयत जो मैंने तलावत की है आयात इसकी वजहत में एक जगह हजरत मुसीम फरमाते हैं इस आयत का महासल ये है कि खुदा वो खुदा है जिसने ऐसे वक्त में रसूल भेजा कि लोग इल्म और औरत से बेबहरा हो चुके थे और हलूम हकमिया दीनिया जिनसे तकमील नफ्स और नफूस इंसानिया, इलमी और अमली कमाल को पहुँचें बिल्कुल गुम हो गई थी और लोग गुमराही में मुबतला थे यानी खुदा और उसकी स़रात मस्तकीम से बहुत दूर जा पड़े थे तब ऐसे वक्त में खुदा त ने अपने रसूल उम्मी भेजा और उस रसूल ने उनके नफसों को पाक किया और इल्म और औरमत से उनको ममलू किया यानी निशानों और मोजा से मरतबा यकीन कामिल तक पहुँचाया और ख़ुदा शनासी के नूर से उनके दिलों को रोशन किया और फिर फरमाया कि एक ग्रोह और है जो आखिरी ज़माने में हिर होगा वह भी अव्वल तारीख़ी और गुमराहि में होंगे और इल्म और हिकमत और यकीन से दूर होंगे तब खुदा उनको भी साहबा के रंग में लाएगा यानी जो कुछ साहबा ने देखा वो उनको भी दिखाया जाएगा यहाँ तक कि उनका सिद और यकीन भी साहबा के सिक और यकीन की मानंद हो जाएगा बस ये है यकीन जो हमें मसिमसलम की बैत में आकर आपकी शदाकत पर होना चाहिए और ईमान की हालत ये होनी चाहिए खुदा पर ईमान ईमान और इस्लाम की शदाकत पर ईमान और यकीन हमें वो होना चाहिए जो सहाबा का था जैसा कि आजकल सहाबा के हालात में मैं खुदबात में भी बयान कर रहा हूँ और मिसालें हमारे सामने आ फरमाते हैं और हदीस में है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर के वक्त सलमान फ़ारसी के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया लौकानलैमान मक़ुम बसरैैया लाआलहू रजलुमनफारिस लनालहू रजुल रजलुमन फ़ारिस यानी अगर ईमान सरैया पर यानी आसमान पर भी उठ गया उठ गया होगा तब भी एक आदमी फारसी वसल उसको वापस लाएगा ये इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि एक शख्स आखिरी ज़माने में फ़ारसी व पैदा होगा उस जमाने में जिसकी नस्बत लिखा गया है कि क़ुरान आसमान पर उठाया जाएगा यही वो ज़माना है जो मसीह मौत का ज़माना है यानी इस्लामी तलीम कुरान की तलीम बिल्कुल भूल जाएगी और ये फारसी असल वही है जिसका नाम मसीह मऊद है क्योंकि सिलीपी हमले जिसके तोड़ने के लिए मसीह मऊद को आना चाहिए वो हमला ईमान पर ही है और ये तमाम आसार सलीबी हमले के ज़माने के लिए बयान किए गए हैं और लिखा है कि इन हमला इस हमले का लोगों के ईमान पर बहुत बुरा असर होगा और उस ज़माने में जो अल-इस्लाम का ज़माना था उसकी ज़िंदगी में ये शदीद हमले हो रहे थे बल्कि बहुत बरसे बाद तक बड़ी ये शदीद हमले जारी रहे और तारीख इस पर गवाह है फरमाया कि वही हमला है जिसको दूसरे लफ्जों में तजाली हमला कहते हैं आसार में है कि उस दजाल के हमले के वक्त बहुत से नादान खुदाए वाहिद ला शरीक को छोड़ देंगे और बहुत से लोगों की ईमानी मोहब्बत ठंडी हो जाएगी और मसीह मऊद का बड़ा भारी काम तजदीद ईमान होगा क्योंकि हमला ईमान पर है और हदीस लौकान ईमानों से जो शख्स फारसी असल की नस्बत है ये साबित है कि वो फ़ारसी असल ईमान को दोबारा कायम करने के लिए आएगा बस जिस हालत में मसीह मऊद और फारसी उलसल का ज़माना भी एक ही है और काम भी एक ही है यानी ईमान को दोबारा कायम करना इसलिए यकीनी तौर पर साबित हुआ कि मसीह माऊद फ़ारसी असल है और उसी की जमात के हक़ में ये आयत है व आखरी ना मिन हूँ लम्बा या लकूब ही आयत के मानी ये हैं कि कमाल जलालत के बाद हदायत और हमत पाने वाले और आ हज़रत सल वसम की मोजात और बरक़ात को मुशाह करने वाले सिर्फ दो ही ग्रोह हैं अव्वल सहबा है आ हज़रतल सल्लम जो आजरत सल्ला वम के ज़हूर से पहले सख्त तारीख़े में मुबला थे और फिर बाद इसके खुदा ताली के फजर से उन्होंने ज़माना नबी पाया और मुआजात अपनी आँखों से देखे और पेशगोई का मुशाह किया और यकीन ने उनमें एक ऐसी तब्दीली पैदा की कि गोया सिर्फ़ एक रूह रह गए दूसरा ग्रोह जो मुझे आयत मसूफा वाला सहाबा की मानंद हैं मसीह मौत ग्रोह है क्योंकि ये ग्रोह भी सहबा की मानंद आ हजरत सल वसम के मुजाद को देखने वाला है और तारीखी और जलालत के बाद हदायत पाने वाला है और आयत आख़रीना मेहमुम में जो इस ग्रोह को मेहम की दौलत से यानी सहाबा से मुशाबे होने की नमत से हिस्सा दिया गया है ये इसी बात की तरफ इशारा है फरमाया चाँचे आज कल ऐसा ही हुआ कि तेरह सौ बरस बाद फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वोजाद का दरवाज़ा खुल गया और लोगों ने अपनी आँखों से मुशाह किया कि खसूफ़ वसूफ़ खुसुफ रमज़ान में हदीस दार कुतनी और फतावा इबन हजर के ज़हूर में आ गया यानी चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण रमज़ान में हुआ और जैसा कि मजमून हदीस था उसी तरह पर चाँद ग्रहण अपने ग्रहण की रातों में से पहली रात में और सूरज ग्रहण अपने ग्रहण के दिनों में से बीच के दिन में वक़ूह में आया ऐसे वक्त में कि जब मेहदी होने का मुद्दी मौजूद था और ये सूरज जब से कि ज़मीन और आसमान पैदा हुआ कभी में नहीं आई क्योंकि अब तक कोई शख्स नज़ीर इसकी सफ़ा तारीख में साबित नहीं कर सका सो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौज़ा था जो लोगों ने आँखों से देख लिया फिर जुस्से नीन सतारा भी जिसका निकलना मेहदी और मसीह मऊत के वक्त में बयान किया गया था हज़ारों इंसानों ने निकलता हुआ देख लिया ऐसा ही जावा की आग भी लाखों इंसानों ने मुशाह की ऐसा ही ताउन का फैलना और हज से रोके जाना भी सब ने बच्च में ख़ुद मुलाहजा कर लिया मुल्क में रेल का तैयार होना ऊँटों का बेकार होना ये तमाम हजरत अलैहि वसल्लम के मुजात थे जो इस ज़माने में इसी तरह देखे गए जैसा कि सहाबा रज़ी ने मुजादा को देखा था इसी वजह से अल्लाह ताला, अल्लाह जला शानहु, ने इस आखिरी ग्रोह को मिनहुम के लफ से पुकारा ये इशारा करे कि मुयना मोजदात में वो भी साहबा के रंग नहीं हैं सोच कर देखो कि तेरह सौ बरस में ऐसा ज़माना मनज नबूवत का और किसने पाया इस ज़माने में जिसमें हमारी जमात पैदा की गई है कई वजूद से इस जमत को साहबा रज़ी से मुशावत है वो मोजात और निशानों को देखते हैं जैसा कि साहबा ने देखा वो खुदा ताल के निशानों और ताज़ा पादा तइदाद से नूर और यकीन पाते हैं जैसा कि साहबा ने पाया वो खुदा की राह में लोगों के ठठे और हंसी और लान तान और तरह तरह की दिल आजारी और बदजुबानी और क़त रहम वगैरह का सदमा उठा रहे हैं जैसा कि साहबा ने उठाया वो खुदा के खुले खुले निशानों और आसमानी मददों और हमत की तालीम से पाक ज़िंदगी हासिल करते जाते हैं जैसा कि साहबा ने हासिल की ये बड़ी अहम बात है हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमत की तालीम से पाक ज़िंदगी हासिल करनी है कुरने करीम पर गौर करना है और बड़ा ज़रूरी है ये फरमाया बेहतरे उनमें से हैं कि नमाज नमाज में रोते और सजदा गाहों को आँसुओं से तर्क करते हैं जैसा कि सहबा रजी लम रोते थे बतेरे उनमें से ऐसे हैं जिनको सच्ची सच्ची खाबें आती हैं और इलाम इलाही से मुशर्रफ होते हैं जैसा कि सहबा रजी ला हम रोते थे बतेरे उनमें से ऐसे हैं कि अपनी मेहनत से कमाए हुए मालों को महज खुदा ताली की मर्जात के लिए हमारे सिलसिले में खर्च करते हैं जैसा कि सहबा रजी ला हम खर्च करते थे उनमें ऐसे लोग कई पाओगे जो मौत को याद रखते हैं ये भी बड़ी अहम बात है मौत हमेशा याद रखनी चाहिए और दिलों के नर्म और सच्ची तकबा पर कदम मार मार रहे हैं बस तो ये बड़ी अहम बातें हैं जो आपने बयान फरमाई, जिसको हमें हर वक़्त अपने सामने रखना चाहिए जैसा कि साबर रजी की सीरत थी वो खुदा का ग्रोह है जिनको खुदा आप संभाल रहा है और दिन दिन उनके दिलों को पाक कर रहा है और उनके सीनों को ईमानी हमतों से भर रहा है बस हमें टोलना चाहिए क्या ये सब बातें हमारे अंदर भी पैदा हो रही हैं और आसमानी निशानों से उनको अपनी तरफ खींच रहा है जैसा कि सहाबा को खींचता था गरज़ इस जमात में वो सारी इलाम तबाई जाती हैं जो आख़रीन में हम के लफ्ज़ से मफहम हो रही हैं और ज़रूर था कि खुदा ताली का फरमोदा एक दिन पूरा होता रा फरमाते हैं कि ये ज़माना वही ज़माना है जिसमें खुदा ताला ने इरादा फरमाया है कि मुख्तलि फिरकों को एक कौम बना दे और इन मज़बी झगड़ों को ख़त्म करके आखिर एक ही मजहब में सबको जमा कर दे और इसी ज़माने की नस्बत जो में अमवाज का ज़माना है खुदा ताला ने कुरान शरीफ़ में फरमाया है व नोफ़ा फिर व जमाना आहूम जमा इस आयत को पहली आयतों के साथ मिलाकर ये माने हैं कि जिस ज़माने में दुनिया के मजहब का बहुत शोर उठेगा और एक मज़हब दूसरे मज़हब पर ऐसा पड़ेगा जैसा कि एक मौज दूसरी मौज पर पड़ती है और एक दूसरे को हलाक करना चाहेंगे तब आसमान और ज़मीन का खुदा इस तलातम अमवाज के ज़माने में अपने हाथों से बगैर दुनियावी इसबाब के एक नया नया सिलसिला पैदा करेगा और उसमें उन सब को जमा करेगा जो इस्तेदाद और मुनासबत रखते हैं तब वो समझेंगे कि मजहब क्या चीज़ है और उनमें ज़िंदगी और हकीकी रास्तबादी की, की रूह हों जाएगी और खुदा की मार्फत का उनको जाम पे लाया जाएगा और ज़रूर है कि सिलसिला दुनिया का मुन ना हो जब तक कि ये पेश गोई कि आज से तेरह सौ बरस पहले क़ुरान शरीफ़ ने दुनिया में शाया की है पूरी ना हो जाए और खुदा ने इस आखिरी ज़माने के बारे में जिसमें तमाम कौमें एक ही मजहब पर जमा की जाएंगी सिर्फ एक ही निशान बयान नहीं फरमाया बल्कि क़ुराना शरीफ में और भी कई निशान दिखे हैं। मिन मंजुमला इनके एक ये कि उस ज़माने में दरियाओं में से बहुत सी नहरें निकालें निकलेंगी और एक ये कि ज़मीन की पोशीदा कानें यानी मादने बहुत सी निकल आवेंगी और ज़मीनी बहुत से या हो जाएंगे और एक ये कि ऐसे इसबाब पैदा हो जाएंगे, जिनके ज़रिए से किताबें बकसरत कसरत हो हो जाएंगी, और एक ये कि उन दिनों में एक ऐसी सवारी पैदा हो जाएगी कि ऊँटों को बेकार कर देगी और इसके ज़रिए से मुलाकातों के तरीक़ सहल हो जाएंगे और एक ये कि दुनिया के बाही तल्लक आसान हो जाएंगे, और एक एक दूसरे को बासानी ख़बरें पहुँचा सकेंगे और आजकल के ज़माने में तो और भी ज़्यादा सहूलतें पैदा होती चली जा रही हैं और एक ये कि इन दिनों में आसमान पर एक ही महीने में चाँद और सूरज को ग्रहण लगेगा और एक ये कि इसके बाद ज़मीन पर सख्त ताउन फैलेगी यहाँ तक कि कोई शहर और कोई गांव खाली ना रहेगा जो ताउन से आलूदा ना हो और दुनिया में बहुत मौत पड़ेगी और दुनिया वीरान हो जाएगी बाजबस्तियाँ तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगी और उनका नाम निशान ना रहेगा और बाज़ बस्तियाँ एक हद तक अदाब में गिरफ्तार होकर फिर उनको बचाया जाएगा ये दिन खुदा के सख्त गज़ब के दिन होंगे इसलिए कि लोगों ने खुदा के निशानों को जो उसके फरिश्तादे के लिए इस ज़माने में जाहिर हुए कबूल न किया और ख़ुदा के नबी को जो इस्लाह खल के लिए आया रद्द कर दिया और उसको जूटा करार दिया ये सब इलामतें इस ज़माने में जिसमें हम हैं पूरी हो गई अक्लमंद के लिए साफ़ और रोशन रहा है कि ऐसे वक्त में खुदा ने मुझे मबूस फरमाया जबकि कुरान शरीफ़ की लिखी हुई तमाम इलामतें मेरे ूर के लिए जाहिर हो चुकी हैं और ये तारीख गवाह है कि सारी आपके ज़माने में बातें पूरी हुई और बाद उनमें से अब तक पूरी होती चली जा रही हैं फिर आप फरमाते हैं जब खुदा तला ने ज़माने की मौजूदा हालत को देख कर और ज़मीन को तरह तरह के फिस और मासीत और गुमराही से भरा हुआ पाकर मुझे तबलीग हक और असलाह के लिए मामूर फरमाया और ये ज़माना भी ऐसा था कि इस दुनिया के लोग के लोग तेरहवीं सदी ही को ख़त्म करके चौदवी सदी के सर पर पहुँच गए थे तब मैंने उस हुक्म की पाबंदी से आम लोगों में बदल तहरीरी इश्तहार और तकरीरों के ये निदा करनी शुरू की कि इस सदी के सर पर जो खुदा की तरफ से तजदीद दिन के लिए आने वाला था वो मैं ही हूँ ताब व ईमान जो ज़मीन पर से उठ गया है उसको दोबारा कायम करूँ और ख़ुदा से कुत पाकर उसी के हाथ की कशिश से दुनिया को सलाह और तकवा और रास्तबाजी की तरफ़ खींचूँ और इनकी अतकादी और अमली ग़लतियों को दूर करूँ और फिर जब इस पर चंद साल गुजरे तो बदरिया वही वही इलाही मेरे पर बदसि खोला गया कि वो मसीह जो इसमत के लिए इब्तदा से मौद था और वो आखिरी महदी जो तनज्ल इस्लाम के वक्त और गुमराही के फैलने के ज़माने में बर रास्त खुदा से हदायत पाने वाला और उस आसमानी माहे को नए सिरे इंसानों के आगे पेश करने वाला तकदीर इलाही में मुकर किया गया था तकदीर इलाही में मुकर किया गया था जिसकी बशारत आज से तेरह सौ बरस पहले रसूल करीम अलैहि सलील ने दी थी वो मैं ही हूँ और मकालमात इलाहिया और मुखात रहमानिया इस सफाई और तोातर से इस बारे में हुए कि शक व शबा की जगह न रही हर एक वही जो होती थी एक फलादी मेख की तरह दिल में हंसती थी और ये तमाम मकालमत इलाहिया ऐसी धीमशान पेश गो से भरे हुए थे कि रोज़ रोज़ रोशन की तरह वो पूरी होती थी और उनके तवातर और कसरत और एजाजी ताकतों के करिश्मा ने मुझे इस बात के इकरार के लिए मजबूर किया कि ये उसी वाहद शरीक खुदा का कलाम है जिसका कलाम कुरान शरीफ है और मैं इस जगह तो रैत और अंजील का नाम नहीं लेता क्योंकि तो रैत और अंजील तहरीफ करने वालों के हाथों से इस क़दर मुहर्रफ वदल हो गई हैं क्या कि उन किताबों को खुदा का कलम नहीं कह सकते गरज व ख़ुदा की वही जो मेरे पर नाजल हुई ऐसी यकीनी और कते है कि जिसके ज़रिए से मैंने अपने खुदा को पाया और वही और वो वही ना सिर्फ़ आसमानी निशानों के जरिए मरतबा हकुल यकीन तक पहुँची बल्कि हर एक हिस्सा उसका जो खुदा ताल के कलाम कुरान शरीफ पर पेश किया गया तो उसके मुताबिक साबित हुआ और उसकी तस्दीक के लिए बारिश की तरह निशानें आसमानी बरसें उन्हीं दिनों में रमज़ान के महीने में सूरज और चंद चाँद का ग्रहण भी हुआ जैसा कि लिखा था कि इस महदी के वक्त में माह रमज़ान में सूरज और चाँद का ग्रहण होगा और इन्हीं अयाम में ताउन भी कसरत से पंजाब में हुई जैसा कि कुरान शरीफ़ में यह खबर मौजूद है और पहले नबियों ने भी खबर दी है कि इन दिनों में मरी बहुत पड़ेगी और ऐसा होगा कोई गांव और शहर उस मरी से बाहर नहीं रहेगा चुन्य ऐसा ही हुआ और हो रहा है और खुदा ने उस वक्त के इसके इस मुल्क में तान का नामों निशान न था करीबन बाईस बरस ताउन के फूटने से पहले मुझे उसके पैदा होने की खबर दी पहले अपने दावे के मतलब आप बयान फरमाते हैं मैं वो शख्स हूँ जो न वक्त पर र हुआ जिसके लिए आसमान पर रमज़ान के महीने में चांद और सूरज को ग्रहण को कुरान और हदीस और अंजील और दूसरे नबियों की खबरों के मुताबिक रहन लगा और मैं वो शख्स हूँ कि जिसके ज़माने में तमामबियों की खबर और कुरान शरीफ़ की खबर के मुाफ़ इस मुल्क में ख़ारकदत तौर पर दाउन फैल गई और मैं वो शख्स हूँ जो हदीस सही के मुताबिक उसके ज़माने में हज रोका गया और मैं वो शख्स हूँ जिसके अहद में वो सतारा निकला जो मसीब ने मरियम के वक्त में निकला था और मैं वो शख्स हूँ जिसके ज़माने में इस मुल्क में रेल जारी होकर ऊँट पेकारे गए और करीब वो वक्त आता है बल्कि नज़दीक है जबकि मक्े और मदीने के दरमियान भी रेल जारी होकर वो तमाम ऊँट बेकार हो जाएंगे पहले तो सड़कों के जरिए से रबा था अब वहाँ भी रेल के जरिए से हो चुका है जो तेरह सौ बरस से ये सफ़र मुबारक करते थे वो तमाम ऊँट बेकार हो जाएंगे जो तेरह सौ बरस से ये सफर से ये सफर मुबारक करते थे तब उस वक्त उन ऊँटों की नस्बत वो हदीस जो सही मसलों में मौजूद है सादक आएगी यानी ये कि लाइत रखु उत्तराकन क्लासो खला यानि मसीह के वक्त में ऊँट पर कार किए जाएंगे और कोई उन पर सफ़र नहीं करेगा ऐसा ही वो शख्स हूँ ऐसा ही मैं वो शख़्स हूँ जिसके हाथ पर सदा निशान ज़ाहिर हुए क्या ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान ज़िंदा है कि जो निशान नुमाई में मेरा मुकाबला करके मुझ पर गालिब आ सके मुझे इस खुदा की उस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि अब तक दो लाख से ज़्यादा मेरे हाथ पर निशान ज़ाहिर हो चुके हैं और शायद दस हज़ार के करीब या उससे ज़्यादा लोगों ने पैगम्बर सल्ला वसम को ख्वाब में देखा और आपने मेरी तस्दीक की और इस मुल्क में जो बाज़ नामी अहल कश थे जिनका तीन तीन चार चार लाख मरीज था उनको ख्वाब में दिखलाया गया कि ये इंसान खुदा की तरफ से है और बाज उनमें से ऐसे थे कि मेरे जहूर से तीस बरस पहले दुनिया से गुज़र चुके थे जैसा कि बुजुर्ग गुलाब शाह नाम गुलाब शाह नाम जिसका था ज़िला लुधियाना में था जिसने मियाँ करीम बख्श मरहूम साकन जमालपुर को खबर दी थी कि ईसा का अध्यान में पैदा हो गया और वो लुधियाना में आएगा मियाँ करीम बख्श एक साल माहद और बूढ़ा आदमी था उसने मुझसे लुधियाना में मुलाकात की और ये तमाम पेशगोई मुझे सुनाई इसलिए मौलियों ने उसको बहुत तकलीफ़ दी मगर उसने कुछ, कुछ परवाह ना की उसने मुझे कहा कि गुलाब शाह मुझे कहता था कि ईसा बिन मरियम ज़िंदा नहीं वो मर गया वो दुनिया में वापस नहीं आएगा इस उम्मत के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ईसा है जिसको खुदा की कुदरत और मसलियत ने पहले ईसा से मुशाबे बनाया है और आसमान पर उसका नाम ईसा रखा है और फरमाया कि एक करीम बख्श यानी अपने उस मुरीद को फरमाया कि एक करीम बख्श जब वो ईसा जाहिर होगा तो तू देखेगा कि मौलवी लोग उसकी किस कदर उसकी मुखालफत करेंगे वो सख्त मुखालफत करेंगे लेकिन ना मुराद रहेंगे और नाम रह रहे हैं आज तक वो इसलिए दुनिया में जाहिर होगा कि ता झूठे हाशिए जो कुरान पर चढ़ाए गए हैं उनको दूर करे और कुरान का असल चेहरा दुनिया को दिखा दे इस पेश गोई में इस बुज़ुर्ग ने साफ तौर पर ये इशारा किया था कि तू इस कदर उम्र पाएगा कि इस ईसा इस को देख लेगा यानी ये एक पेशगोई अपने उस मुरीद की उम्र के बारे में भी थी लिहाज़ मसीिमसल्लाम फरमाते हैं कि याद रखो ख़ुदा का नाम गफूर है फिर क्यों वो रजू करने वालों को माफ़ ना करे इस किस्म की गलतियाँ हैं जो कौम में वाक़ हो गई हैं इन्हीं गलतियों में से जिहाद की गलती भी है मुझे तहजुब है कि जब मैं कहता हूँ कि जहाद हराम है तो काली पीली आँखें निकाल लेते हैं और हालाँकि खुद भी मानते हैं कि जो हदीसें खूनी मेहदी की हैं वो मखदूश हैं मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने इस बाब में रसाले लिखे हैं तस्लिम किया है हदीसों के मख्श होने के बारे में और यही मज़हबिया नज़ीर हुसैन देलवी का था आजकल भी बाज़ मौलोा आप यही कहने लग गए हैं वो इनको कतई सही सम, सही नहीं समझते थे फिर मुझे क्यों काजब कहा जाता है सच्ची बात यही है कि मसीह मऊद और महती मऊद का काम यही है कि वो लड़ाइयों के सिलसिले को बंद करे और कलम दुआ तोजो से इस्लाम का बोल बाला करे बस ये कलम और दुआ और तोजो यही काम आप के मानने वालों का भी अब है आज आप फरमाते हैं कि अफसोस है कि लोगों को ये बात समझ नहीं आती इसलिए कि जिस कदर दुनिया तोजो दुनिया की तरफ है दीन की तरफ नहीं है हमें भी अपनी हालतों का जायज़ा लेना चाहिए मानने के बाद कहीं हमारी तो जो, जो दोबारा दुनिया की तरफ तो नहीं हो गई बहुत ज़्यादा फरमाया दुनिया की आलूगियों और नापाकियों में मुबला होकर ये उम्मीद क्यों कर कर सकते हैं कि उन पर कुरान करीम के मुआरफ खुलें वहाँ तो साफ़ लिखा है ला यमस, ला या मसुहू अल्लामतार इस बात को भी दिल से सुनो इस बात को भी दिल से सुनो कि मेरे मबूस होने की गाही क्या है क्या बुनियादी मकसद है मेरे मबूस होने का मेरे आने की गरज और मकसूद सिर्फ इस्लाम की तजदीद और तायद है इससे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इसलिए आया हूँ कि कोई नई शरीयत सिखाऊँ या नए अहकाम दूँ या कोई नई किताब नाजिल होगी हरगिज़ नहीं अगर कोई शख्स ये ख़्याल करता है तो मेरे नज़दीक वो सख्त कुमरह और बेदीन है आ अलैहि वसल्लम पर शरीयत और नबूवत का खात्मा हो चुका है अब कोई शरीयत नहीं आ सकती कुरान मजीद ख़ातमकुतुब है इसमें अब एक शोशा या नुक्ते की कमी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है हाँ ये सच है कि आ हज़रतम के बरकत और फ्यूज़ात और क़ुरान शरीफ़ की तलीम और हदायत के समरात का ख़ात्मा नहीं हो गया वो हर ज़माने में ताज़ा बताज़ा मौजूद हैं और उन्हीं फ्योज़ात और बरक़ात के सबूत के लिए ख़ुदा तला ने मुझे खड़ा किया इस्लाम की हालत जो उस वक़्त है वो पशीदा नहीं दिल्तफाक़ मान लिया गया है कि हर किस्म की कमज़ोरियों और तनजल का निशाना मुसलमान हो रहे हैं हर पहलू से वो गिर रहे हैं और आज कल तो और भी ज़्यादा बुरी हालत हम देख रहे हैं उनकी ज़ुबान साथ है तो दिल नहीं है और इस्लाम यतीम हो गया है ऐसी हालत में खुदा तला ने मुझे भेजा है कि मैं उसकी हमायत और सरपरस्ती करूं और अपने वादे के मुवाफिक भेजें क्योंकि उसने फरमाया था इन्ना नाहनो नज़ल नज़िक रहा व इन्ना अल्हल हाफजूँ अगर उस वक्त हमायत और नुसरत और हिफाजत न की जाती अगर इस वक्त हमायत और नुसरत और हिफाजत न की जाती तो और कौन सा वक्त आएगा अब इस चौथी सदी में वही हालत हो रही है जो बदर के मौके पर हो गई थी इसके लिए अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला फरमाता है वलकत नसर कमल्ला बदरन व अंतुम तुम इस आयत में भी दरअसल एक पेशगोई मरकूज थी यानी जब चौदहवीं सदी में इस्लाम ज़यीफ़ और नातवा हो जाएगा उस वक्त अल्लाह त वाद हिफाजत के मुआफ़ उसकी नुसरत करेगा फिर तुम क्यों तजुब तो करते हो कि उसने इस्लाम की नुसरत की फिर अपने ख़िलाफ़ मुखालफी की दरीदा दहनी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मेरा नाम द जाल और कज़ाब रखा जाता है और मुझ पर तोमतें लगाई जाती हैं इसलिए ये ज़रूर था कि मेरे साथ वही सलूक होता जो मुझसे पहले और का हुआ ता मैं भी उस कदीम सुनत से हिस्सा पाता मैंने तो इन मसायब और शदायत का कुछ भी हिस्सा नहीं पाया लेकिन जो मुसीबतें और मुश्किल हमारे सैदा आ हज़रतली वसम की राह में आईं उसकी नज़ीर अम्बिया आलैम के सिलसिले में किसी के लिए नहीं पाई जाती आपने इस्लाम की खातर वो दुख उठाए कि कलम उनके लिखने और ज़ुबान उनके बयान करने से बयान से आजज़ है और इसी से मालूम होता है कि आप कैसे जलीलशान और उलम नबी थे अगर खुदा ताला की तइद और नुसरत आपके साथ ना होती तो इन मुश्किल के पहाड़ को उठाना नामुमकिन हो जाता और अगर कोई और नबी होता तो वो भी रह जाता मगर जिस इस्लाम को ऐस एस, ऐसी मुसीबतों और दुखों के साथ आपने फैलाया था आज उसका जो हाल हो गया है वो मैं क्यों कर कहूँ क्या कर दिया है मुसलमानों ने हाल इस्लाम का और जो आने वाला है उसको मानने को तैयार नहीं जो दिन के लिए आया है फिर आप फरमाते हैं मैंने अपनी मैंने अपनी तहरीरों के ज़रिए पूरे तौर पर इस तरीक़ को पेश किया है जो इस्लाम को कामयाब और दूसरे मजाब पर गालब करने वाला है मेरे रसायल अमरीका और यूरोप में जाते हैं खुदा तौ ने उस कॉम को जो फरासत दी है उन्होंने इस खुदादात फरासत से इस अमर को समझ लिया है लेकिन जब एक मुसलमान के सामने मैं इसे पेश करता हूँ तो उसके मुँह में झाग आ जाती है वो या वो दीवाना है या कतल करना चाहता है <coughs> और अमला आज कल तो ये कर भी रहे लोग एम जीओ के साथ हालांकि क़ुरान शरीफ की तलीम तो यही थी कि इतफा बिलती है या आसन ये तालीम इसलिए थी कि अगर दुश्मन भी हो तो उस नरमी और उसने सलूक से दोस्त बन जावे और उन बातों को आराम और सुकून के साथ सुन ले मैं अला जल्ला शाहू की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं उसकी तरफ से हूँ वो खूब जानता है कि मैं मुफ्तरी नहीं कजाब नहीं अगर तुम मुझे खुदा ताल की कसम पर भी और निशानात को को भी जो उसने मेरी तायज में जाहिर किए देख कर मुझे कज़ाब और मुफ्तरी कहते हो तो फिर मैं तुम्हें खुदा तला की कसम देता हूँ कि किसी ऐसी मुफ्तरी की नज़ीर पेश करो के बावजूद उसके हर रोज़ इफ्तरा और कस्ब के उसके हर रोज़ इश्तरा और क्व के जो वो अल्लाह ताला पर करे फिर अल्लाह ताला उसकी तइद और नुसरत करता जाए दिखाओ तो सही कि ऐसा झूठा आदमी जो अल्लाह ताला पर तशतरा कर रहा है झूठ बोल रहा है फिर अल्लाह ताला तयदाद भी फरमा रहा है आज दुनिया में पहली जमात अहमदिया के जो है उस बात की वाज सबूत नहीं कि अल्लाह ताला की हज़रत ताइदादर मसीिम के साथ हैं रुमया कि चाहिए तो ये था कि उसे हलाक करे, चाहिए तो ये था कि अल्लाह ताली ऐसे झूठे आदमी को हलाक कर देता मगर यहाँ उसके बरखिलाफ़ मामला है मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं सादक हूँ उसकी तरफ़ से आया हूँ मगर मुझे कज़ाब और वफरी कहा जाता है और फिर अल्लाह ताला हर मुकदमे और हर बला में जो कौम मेरे ख़िलाफ़ पैदा करती है मुझे नुसरत देता है और उससे मुझे बचाता है और फिर ऐसी नुसरत की ऐसी नुसरत की कि लाखों इंसानों के दिल में मेरी डाल डालती दूर नज़दीक तक सिर्फ़ गुस्सों के माने में तो सिर्फ हिंदुस्तान तक ही थी यूरोप में भी अमेरिका में भी अफ्रीका में भी साउथ अमेरिका में जज़ायर में ऑस्ट्रेलिया में अरब ममालिक में लाखों इंसानों के दिलों में आप फरमाते हैं मेरी मोहब्बत डाल दी अजीब मामला ये कि झूठे के साथ ये सलूक हो रहा है मैं इस पर अपनी सच्चाई को हासिल करता हूँ यही मेरी सच्चाई की दलील है अगर तुम किसी ऐसे मुफ्त का निशान दे दो कि वो कज़ाब हो और अल्लाह पर उसने अख्तरा किया हो और फिर खुदा ताला ने उसकी ऐसी नजरतें की हों और इस कदर अरसा तक उसे ज़िंदा रखा हो और उसकी मुरादों को पूरा किया हो दिखाओ फिर आप फरमाते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि जो अनोारो बरकत इस वक्त आसमान से उतर रहे हैं वो उनकी क़दर करें और अल्लाह ताला त शुक्र करें कि वक्त पर उनकी दस्तगीरी हुई और खुदा ताला ने अपने वादे के मुाफिक इस मुसीबत के वक्त उनकी नसरत फरमाई लेकिन अगर वो खुदा ताला की इस नेमत की कदर ना करेंगे तो खुदा ताली उनकी कुछ परवाह ना करेगा वह काम करके रहेगा मगर उन पर अफसोस होगा मैं बड़े ज़ोर से और पूरे यकीन और बसीरत से कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया है कि दूसरे मज़ाहब को मिटा दे और इस्लाम को गलबा और कुवत दे अब कोई हाथ और ताकत नहीं जो खुदा ताला के इस इरादे का मुकाबला करे वो फ़ालमा युरीद है मुसलमानों याद रखो अल्लाह तेरे ज़रिए तुम्हें यह खबर दे दी है और मैंने अपना प्याम पहुँचा दिया है तो अब इसको सुनना ना सुनना तुम्हारे इख्तीार में है ये सच्ची बात है कि हरतीसा आलाम वफात पा चुके हैं और मैं खुदा ताला की कसम खा कर कहता हूँ कि जो मऊद आने वाला था वो मैं ही हूँ और ये बात ये भी पक्की बात है कि इस्लाम की ज़िंदगी ईसा के मरने में है फिर आप फरमाते हैं मेरे नादान मुखालफों को खुदा रोज़ बरोज़ अनवाकसाम के निशान दिखलाने से जलील करता जाता है और मैं उसी की कसम खा कर कहता हूँ कि जैसा उसने इब्राहिम से मुकालमा मुखातबा किया और फिर इसहाक से और इस्माइल से और याकूब से और यूसुफ़ से और मूसा से और मसीह इब्ने मरियम से और सब के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा हम कलाम हुआ कि आप पर सबसे ज़्यादा रोशन और पाक वही नाज़िल की ऐसा ही उसने मुझे भी अपने मुकालमा मखातबा का शर्फ रख् मगर ये शर्फ मुझे महज आ महजरत सलील वसम की पैरवी से हासिल हुआ अगर मैं हज़रतल वम की उम्मत ना होता आप और आपकी पैरवी ना करता तो अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर मेरे अमाल होते तो फिर भी मैं कभी ये शरफ़ मुकालमा मखाबा हरगज़ ना पाता क्योंकि अब बज्ज़ मोहम्मदी नबूत के सब नबूतें बंद हैं शरीयत वाला नबी कोई नहीं आ सकता और बग़ैर शरीयत के नबी हो सकता है मगर वही जो पहले उम्मती हो बस इसी बिना पर मैं उम्मती भी हूँ और नबी भी और मेरी नबूवत यानी मुकालमा मुखातबा इलाहिया आ हज़रत अलैहि वसल्लम की नबूवत का एक ज़िल है और बजूद इसके मेरी नबूवत कुछ भी नहीं वही नबूत नबूत मुहम्मदिया है जो मुझ में हुई है और चूँकि मैं महज़िल हूँ और उम्मती हूँ इसलिए आ जनाब की इससे कुछ कसर शान नहीं यानी हदरत सल्ला वसम की इससे कुछ कसर शान नहीं और ये मुकालमा इलाहिया जो मुझसे होता है यकीनी है अगर मैं एक दम के लिए भी इसमें शक करूँ तो काफिर हो जाऊँ और मेरी आखरत तबाह हो जाए वो कलाम जो मेरे पर नाजल हुआ यकीनी और कतेही है और जैसा कि आफ्ताब और उसकी रोशनी को देखकर कोई शक नहीं कर सकता कि यह आफ्ताब और ये उसकी रोशनी है ऐसा ही मैं इस कलाम में भी शक नहीं कर सकता जो खुदा ताला की तरफ से मेरे पर नाजर होता है और मैं इस पर ऐसा ही मान लेता हूँ जैसा कि खुदा की किताब पर फिर फरमाते हैं वो काम जिसके लिए खुदा ने मुझे मबूुर फरमाया है वो ये है कि खुदा में और उसकी मखलूक के रिश्ते में जो कुदूरत वाक़ हो गई है उसको दूर करके मोहब्बत और अखलास के तल्ल को दोबारा कायम करूँ और सच्चाई के अहार से मजहबी जंगों का खात्मा करके सुह की बुनियाद डालूँ और वो दीनी सच्चाइयाँ जो दुनिया की आंख से मख्फी हो गई हैं उनको ज़ाहिर कर दूँ और वो रूहानियत जो नफसानी तारीखियों के नीचे दब गई है उसका नमूना दिखाऊँ और खुदा की ताकतें जो इंसान के अंदर दाखिल होकर तोजो या दुआ के ज़रिए से नमदार होती हैं हाल के ज़रिए से नामहज मकाल के से उनकी कैफियत बयान करूँ और सबसे ज़्यादा ये कि वह खाल सवकती हुई तोहद जो हर एक किस्म की शर की आमेजों से खाली है जो अब नाबूद अब अब नाबूद हो चुकी है उसको दोबारा कायम कौम में उसका दोबारा कौम में कौम में दाइमी पौधा लगा दूँ और ये सब कुछ मेरी कुत से नहीं होगा बल्कि उस खुदा की ताकत से होगा जो आसमान और ज़मीन का खुदा है मैं देखता हूँ कि एक तरफ तो खुदा ने अपने हाथ से मेरी तरबियत फरमा कर और मुझे अपने वही से शर्फ बख्श कर मेरे दिल को ये जोश बख्शा है कि मैं इस किस्म की असलाहों के लिए खड़ा हो जाऊँ और दूसरी तरफ उसने दिल भी तैयार कर दिए हैं जो तो मेरी बातों के मानने के लिए मुस्तैद हों मैं देखता हूँ कि जब से खुदा ने मुझे दुनिया में मामूर करके भेजा है उसी वक्त से दुनिया में एक इनकलाबीम हो रहा है यूरोप और अमेरिका में जो लोग हज्तीसा को हजतीसा की खुदाई के दिलदादा थे अब उनके मौके खुद ब खुद इस अकीदे से होते जाते हैं और अब तो बेशुमार लोग ऐसे हो गए हैं जो इस अकीदे की नफ़ी करने वाले हैं और वो कौम जो बाप दादों से बुतों और देव, देवतों पर फिरफ्तार थी बहुतों को उनमें से ये बात समझ आ गई है कि बुध क्या चीज़ बुध कुछ चीज़ नहीं है और गो व लोग अभी रूहानियों से बेखबर हैं और सिर्फ चंद अलफाज को रस्मी तौर पर लिए बैठे हैं लेकिन कुछ शक नहीं कि हज़ारा बेहदा रसूम और बिदात और शिर की रस्सियाँ उन्होंने अपने गले पर से उतार दी हैं और तोहद की ड्योडी के करीब खड़े हो गए हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ थोड़े ज़माने के बाद अनायात इलाह उनमें से बहुतों को अपने ख़ास हाथ से धक्का देकर सच्ची और कामिल तोहद के इस दारान में दाखिल कर देगी जिसके साथ कामिल मोहब्बत और कामिल खौफ और कामिल मार्फत अदा की जाती है ये उम्मीद मेरी महज़ ख्याली नहीं है बल्कि खुदा की पाक बही से ये बिशारत मुझे मिली है इस मुल्क में खुदा की हमत ने यह काम किया है ताज तर मतफर कौमों को एक कौम बना दे और सुलह और आशती का दिन लावे हर एक को इसकी हवा उस हर एक को इस हवा की खुशबू आ रही है कि ये तमाम मतफर कौमें किसी दिन एक कौम बनने वाली हैं अल्लाह करे कि दुनिया में बसने वाले लोग खासतौर पर मुसलमान इस हकीकत को समझने वाले हों आपके दावे को समझने वाले हों और जल्द वो इस मसीह व महदी की बैत में आ जाएँ जिसे अल्लाह ताला ने इस्लाम की नशत के लिए दुनिया में भेजा है और हमें भी अपना हक़ हाँ बैत अदा करने वाला बनाए पाकिस्तान के अहमदियों के लिए अलज़ायर के अहमदियों के लिए इस दुआ के द्वारा मैं मैं के लिए कहना चाहता हूँ काफ़ी हालात दोबारा बिगड़ते जा रहे हैं या ऊपर नीचे होते रहते हैं और हम ये नहीं कह सकते कि कोई मुकम्मल अमन और सुकून आ गया है रोज़ बोज रोज हर रोज़ को कोई ना कोई वाक़ हो जाता है पाकिस्तान में भी इसी तरह अलज़ायर में भी हुकूमत के बाद एहलकारों की नीयत नक नहीं लग रही दोबारा केस खोलना चाहते हैं अल्लाह ताल हर अहमदी को अपनी हिफाजत में रखे पाकिस्तान में भी इजायर में भी और दुनिया के हर मुल्क में जहाँ भी कोई आहदी किसी भी किस्म की तकलीफ में है लेकिन साथ ही आहमदियों को भी तोजो करनी चाहिए कि वो पहले से बढ़कर खुदा तै की तरफ झुकें अपनी बातों के हक अदा करने वाले हों और हकूक लिबात को भी अदा करने वाले हों अपनी हालतों को बेहतर करने वाले हों और ख़ुदा से ख़ास तल्लक जोड़ने वाले बने अल्लाह ताली हम सबको उसकी तोफ़ी को तौ الحمد <سؤال> لله الحمد <سسؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ياده الله فلا مدل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالعدل وَالْلِسَانِ وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر